नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पहले चरण के मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद 3 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कि 94 विधानसभा सीटों में एक विधानसभा सीट भागलपुर भी है और भागलपुर में NDA की ओर से भाजपा के प्रत्याशी जिला अध्यक्ष रोहित पांडे हैं। रोहित पांडे जी से हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है और प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रकार से प्रचार प्रसार चल रहा है। उम्मीद क्या है सर इस बार जो है विजय की? निश्चित रूप से हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन और सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ हम लोग इस चुनाव को और भागलपुर की जनता के आशीर्वाद के साथ इस चुनावी मेला को हम लोग आसानी से पार लगा रहे हैं। सर, वर्षों से उपेक्षित रहा है, खासकर बहुत विकास कार्यों से उपेक्षित रहा है भागलपुर। कुछ समस्याएं जो वर्षों से चली आ रही हैं वो हम आपको बता दें कि भोलानाथ पुल की समस्या है, हवाई सेवा है, जाम की समस्या है। क्या लगता है इस बार रोहित पांडे के जीत के बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएगी? देखिए, भागलपुर की जो आप समस्या बताए हैं, निश्चित रूप से कुछ समस्या तो अभी भी पहले की भांति अभी भी बरकरार हैं और कई, लेकिन ऐसे और भी समस्या थे, इसके अलावे कई ऐसे समस्या थे जिसका समाधान भी हुआ है, लेकिन सारे समस्या का समाधान हो गया है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। दूसरा यह है कि कई जो समस्याएं जिनका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं कि दबाव के कारण जो हम करवा सकते थे, अब केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में जो आवंटन किया, पैसे को भेजा, लेकिन हम लोग उसको लग के और सही प्रकार से उसको जमीनी स्तर तक उतरवाने का काम नहीं कर सके। उसका एक बड़ा कारण रहा कि यह भागलपुर का हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि जब केंद्र में और बिहार में NDA की शासन रही, की सरकार रही, तो केंद्र सांसद भी दुर्भाग्य से हमारे नहीं रह पाए भागलपुर में और विधायक भी नहीं रह पाए। तो इस नाते इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा कि केंद्र ने और राज्य ने तो न्याय करने का काम किया, जो भी आवंटन है या बाकी सब है, लेकिन एक जो जनप्रतिनिधि के नाते सजग और जागरूक रहकर और उसको सफलीभूत कराने की जो एक जिम्मेवारी थी, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई। लेकिन इस बार उस कमी को हम लोग पूरा करेंगे, इसलिए कि आप जब देखेंगे कि केंद्र में भी अपनी सरकार है तो सांसद भी हमारा NDA का है और इस बार विधायक भी NDA का होगा, तो जो भी विकास के कार्य छूट गए हैं वह सभी पूरे होंगे। अब कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि हम लोग के कल्पना में था कि हमारा भागलपुर कैसे प्रकृति के अनुकूल और विकास करे, तो इस नाते हम सभी लोग उस चीज़ को एक रोड मैप हमारे मानस पटल पर है और उसको हम लोग जमीनी रूप देने का काम करेंगे और एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर भागलपुर बनाने का जो सपना है वो हम लोग साकार करेंगे। अगर सर राजनीतिक विशेषज्ञों का की माने तो भागलपुर से लड़ाई त्रिकोणीय बताया जाता है, हम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, देखिए, कोई हम कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई अगर है तो वह विकास की और विनाश की लड़ाई है कि आप किसको चुनना चाहते हैं, जिसने कि ईमानदारी पूर्वक कोई इतने शासनकाल में, प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। कोई जो कार्य हुए आप उसको देख लेंगे तो एक ऐतिहासिक निर्णय, चाहे वह केंद्र सरकार का रहा हो या राज्य सरकार का सुशासन का कार्य रहा हो, जो करने का काम किया है वह अपने आप में ऐतिहासिक है, जो अपने जीवन काल में लोग कल्पना नहीं कर रहे पा रहे थे कि यह सब भी निर्णय इस शासन काल में होगा। ऐसे ऐसे निर्णय इस देश के अंदर हुए हैं, देश के गौरव को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और आज लोगों के, आम लोगों के मन में यह आत्मविश्वास जगा है कि यह देश पुनः विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चला है और उसमें गति देने की आवश्यकता है हम सभी आम कार्यकर्ताओं को, आम मतदाताओं को, और इस मानसिकता के साथ यहाँ के भागलपुर के मतदाता चल पड़े हैं। कई बार यह बहाना बनाया जा रहा है सर कि भागलपुर में जब सरकार होती है NDA की तो फिर केंद्र में नहीं होती है, ऐसा बहाना बनाया जाता है कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इस बार अगर देखा जाए तो NDA की, भाजपा की सरकार केंद्र में है
और यहाँ से एनडीए जो है, और अगर यहाँ से आपकी जीत होती है तो तीनों एक जैसा सिमिलर हो जाएगा, तो इससे विकास कार्य कितना आसान हो जाएगा? मैंने पहले ही आपको बताया चर्चा के क्रम में कि आज केंद्र में एनडीए की सरकार है और भागलपुर से सांसद एनडीए के हैं और अब विधायक भी एनडीए के रहेंगे, तो कोई बहाना का कारण नहीं रहेगा और हम लोग बहाना करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार में लोगों का विश्वास इसलिए जगा है कि उन्होंने करके दिखाया है, केवल बोलने का काम नहीं किया है बल्कि उन्होंने करके काम दिखाया है, तो इसलिए लोगों का विश्वास उनके प्रति जगा है कि नहीं बाकी सभी काम इन्हीं के माध्यम से हुए हैं तो आगे भी बचे हुए काम अगर कोई कर सकता है तो यही कर सकते हैं। तो इस नाते निश्चित रूप से अगर अब कोई काम नहीं होता है तो वह जनप्रतिनिधि होने के नाते वह एनडीए के जनप्रतिनिधि होंगे तो उनकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार रहेगी, केंद्र में भी एनडीए की सरकार और बिहार में भी एनडीए की सरकार, तो इसकी पूरी जवाबदेही जो है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि एनडीए के जीतेंगे तो वह उनकी होगी। यहाँ पर भागलपुर जो है स्मार्ट सिटी की सूची में शहर का नाम शामिल हो गया, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो विकास के पटल पे शहर की जो कार्य हैं वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है, तो कहीं कहीं लगता है कि इस बार जीतने के बाद ये प्राथमिकताएं आपकी रहेगी? निश्चित रूप से मैंने पहले भी चर्चा किया कि ऐसे कई योजनाएं, कई विषय जो केंद्र ने दिए या भागलपुर का, हम लोगों का सौभाग्य है कि भागलपुर देश के 100 स्मार्ट शहरों में से एक भागलपुर भी चुना गया, लेकिन जो दिखना चाहिए था वह काम वह दिखा नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर उसको मॉनिटरिंग करके और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम यह जनप्रतिनिधि का होता है और कहीं ना कहीं इसमें कोताही बरती गई जिसके कारण वह धरातल पर दिख नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से जब अब एनडीए के सांसद हैं, एनडीए के यहाँ से विधायक होंगे, तो निश्चित रूप से ज़मीनी स्तर पर उन सभी कार्य को उतारा जाएगा और वह आपको दिखेगा भी। शहर में जाम और जो है गंदगी की समस्या, क्या कूड़े के अंबार पे स्मार्ट सिटी का निर्माण होगा सर? देखिए ये कुछ जो मूलभूत समस्याएं हैं शहर की जो अभी भी ठीक नहीं हो पाए हैं, उसमें से एक तो जो गंदगी की आप बताए कि चौक चौराहे पर कई जगह कूड़े आपके ढेर आपको दिख जाएंगे, एक भोलानाथ पुल का समस्या है, ड्रेनेज का समस्या है और शुद्ध पेयजल की, तो लेकिन शुद्ध पेयजल के लिए तो हर घर नल योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने वह करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको हमको लगता है कि अधिकांश उस समस्या का समाधान हुआ है, जो बचे हैं वह भी बहुत कम समय अंतराल में वह पूरे होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से, सिल्क टीवी के माध्यम से, मैं भागलपुर के सभी मतदाताओं से यह वादा करता हूँ कि भोलानाथ पुल और जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी की व्यवस्था और यह जो शहर में जगह जगह पर गंदगी की व्यवस्था है, यह तो निगम का भी दायित्व बनता है कि इस चीज़ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको यह सभी समस्याओं का समाधान हम लोग साथ मिलकर बैठकर करेंगे और एक स्वच्छ भागलपुर, स्वस्थ भागलपुर, समृद्ध भागलपुर की जो परिकल्पना है उसको हम लोग जमीन पर, धरातल पर, और कोई इसके लिए बहुत आप कल्पना नहीं करेंगे, हम बहुत तय समय सीमा के अंदर इसके लिए, कोई यह नहीं है कि इतने दिनों में, इतना दिनों में, हम एकदम आपको यह 100 दिन के अंदर वह आपको परिवर्तन दिखाई देगा कि एनडीए की सरकार में और यहाँ से एनडीए के दोनों जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक होने से क्या शहर को लाभ मिलेगा, उस तालमेल से यह आपको बहुत कम समय अंतराल में वह देखने को मिलेगा। शहर की जो बिल्डिंगें हैं वो तो चकाचौंध रहती हैं लाइट से, लेकिन देखा जाए तो शहर की जो सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट की जो है, कहीं कहीं से कोई एक भी जगह ऐसा नहीं है कि शहर में स्ट्रीट लाइट हो, और इस वजह से शहर के जो रात में चलने वाले लोग होते हैं वो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर देखा जाए तो फुटपाथ की जो समस्या है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से जो स्ट्रीट लाइट की आप चर्चा कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा जो हम बार बार हर चीज़ में एक ही विषय आ रहा है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की समस्या है। आप देखेंगे कि लगभग जगह स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं लेकिन चाहे तो वह खराब पड़े हुए हैं या फिर रख रखाव के कारण जो समस्या आती है
वह है, और बहुत उसको अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत कम खर्च पर वह सभी चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण उस प्रकार से नहीं जाने के कारण बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो कि बिना खर्च के भी हो सकते थे, या लेकिन वह ध्यान नहीं देने के दिए जाने के कारण, या लोगों को उस ओर जो है अपना विजन नहीं होने के कारण वह समस्या दिख रहा है। लेकिन उसको कैसे हम लोग ये करेंगे कि जो स्ट्रीट लाइट जो लगे हुए हैं जो ख़राब हैं वह ठीक हों, और नए स्ट्रीट लाइट की जहाँ आवश्यकता है उसको भी पूरा करने का काम हम सभी लोग उसको देखेंगे। शहर के लोग तो अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल या फिर गैर सरकारी अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन भागलपुर शहर से सटे जो गांव हैं, कुछ गांव पड़ते हैं जो कि बहुत करीब हैं, शहर के बहुत करीब सटे हैं, वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया दिया जाए तो वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं शहर आना नहीं पड़ेगा और एक उपचार जो है ग्रामीण लोगों को ग्रामीण तौर पर मिल जाएगा। पर इससे अभी तक भागलपुर शहर से सटे जो गांव हैं वो अभी तक वंचित रहा है। देखिए, जो हमें ध्यान में आया है कि अब जो अपना यहाँ का जिला अस्पताल और ये मायागंज हॉस्पिटल और जो सदर अस्पताल है, यह यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, वह उनका स्वास्थ्य भी अच्छी प्रकार से, प्रशिक्षण वगैरह यह जो सुविधा होना चाहिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध है। थोड़ा हम लोगों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है और यह हम लोग प्रयास करके उसको करेंगे भी कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उनको और समृद्ध बनाकर और वहाँ पर लोग पहुँचें, इसके लिए उसको थोड़ा समृद्ध बनाना पड़ेगा स्वास्थ्य उपकेंद्र को। केवल वहाँ चिकित्सक बैठा देने से या इसके लोग नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ जो इक्विपमेंट हैं, बाकी जो संसाधन हैं, और उसको थोड़ा समृद्ध करके उसको करेंगे तो इन अस्पतालों के भी लोड कम होंगे और लोग सुविधापूर्वक वहाँ पर जाएंगे। तो निश्चित रूप से यह हमारे एजेंडे में है और इसको हम लोग करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए मेरा क्षेत्र में आना होता है, जाना होता है गांव ग्रान कस्बे में जाना होता है। एक बातें जो लगभग बहुत कम से नेताओं के बारे में सुनने के लिए मिलता है कि रोहित पांडे जो है बोलते कम है करते ज़्यादा हैं, ऐसा शायद भागलपुर क्षेत्र में पहली बार आपके बारे में मुझे सुनने के लिए मिला, क्या ये वाकई में हकीकत क्या है इस बात? देखिए, ये तो अभी तो हमारा कोई मूल्यांकन हुआ नहीं है, और संयोग से अगर भागलपुर के मतदाताओं के आशीर्वाद से या अवसर मिलता है तो अभी अब हमको उनके कसौटी पर खड़े उतरने का अवसर आया है। कई जगहों पर ऐसा बार देखा जाता है कि आप बोलते बहुत कम है। नहीं, ठीक है, लोग ऐसी धारणा बना रहे, लेकिन हम तो जहां आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत होता है तो बोलते ही हैं, लेकिन लोगों के आकांक्षाओं पर खरा उतरने का अब अवसर मुझे आया है, तो इसलिए अभी तक जो मूल्यांकन हुआ है उस आधार पर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में जो जिम्मेवारी हमें मिलेगी उस जिम्मेवारी पर खरा उतरने का मैं 100% प्रयास करूँगा। और मेरा एक स्वभाव रहा है कि जिस क्षेत्र में संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी है एक कार्यकर्ता के नाते, मैं अपना प्राणपण से और 100% अपना लगाकर और उसको करने का प्रयास करता हूँ, और परिश्रम की जो प्रकाष्ठा होती है उसको लगाने का मैं प्रयास करता हूँ। आखिरी सवाल होगा आपसे, और ये अक्सर ये सवाल मेरा सभी नेताओं से होता है कि आपको जो है आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों वोट करे? ऐसा हम इसलिए सवाल करते हैं ताकि लोगों को यह पता चले, जनता को यह पता चले कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो किस मोटो से आपके विधानसभा क्षेत्र में है, वो उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या है, जनता के प्रति वो क्या सोचते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति वो क्या सोचते हैं। और वही सवाल आज आपसे है कि आपको आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता यानी भागलपुर की जनता आपको क्यों वोट करे? देखिए, एक तो यह विषय है कि देश की आवश्यकता आज नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ इस क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए मुझे अवसर दिया और भेजा है, और दोनों ने करके अपने कर्म के बल पर करके दिखाया है, तो उनका प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसका समाधान 100% करने में NDA के ही प्रत्याशी सक्षम होंगे, और चूंकि जिसने किया है उसी पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो इस नाते मैं चाहूँगा कि जो डबल इंजन की सरकार है अगर उसके प्रत्याशी यहाँ से जीतते हैं तो बाकी सारे समस्याओं का समाधान भी होगा, और जो एक ईमानदार जो विकास की, चूँकि बाकी लोगों को भी आपने अवसर देकर देखा है,
और क्या हुआ है वो आपके सामने है। तो मैं आग्रह करूंगा एक बार मुझे आप अवसर दें और मैं आपके आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जो आप स्नेह और ताकत मुझे देंगे तो मैं यहाँ की भागलपुर की वासियों का कभी भी सर में झुकने नहीं दूंगा, यही मैं आज वादा कर सकता हूँ। आगे यह सब जब तक हम कुछ करके दिखाएंगे नहीं तब तक बस केवल कोरी बातें ही सिद्ध होंगी। अभी तो हम जो भी बोलेंगे वह केवल कोरी बातें ही होंगी, लेकिन जब मुझे अवसर मिलेगा तो उस कसौटी पर मैं खड़ा उतरूंगा। बातचीत के लिए शुक्रिया सर आपका, आगे की जर्नी के लिए भी शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ रोहित पांडे थे, जिला अध्यक्ष यहाँ के हैं और भाजपा ने इनको उम्मीदवार भी अपना बनाया है। रोहित पांडे जी से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में रखिए और अगर मेरी कोशिश रहेगी कि इनसे अगर कभी साक्षात्कार के लिए मैं आऊँ तो आपका वो सवाल इन तक रखूँ। अगर मेरा नाम विकास कुमार है, जैसे कैमरे के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।